उसको नजर आ गया हम यहाँ पर हैं, फिर भी वो आ तो रही नहीं, वो आगे जा रही है दीदी के साथ। आवाज दो उसको। फजीला, उसको पता नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं। शुम्मी इधर ही देख रही है। शुम्मी को पहले देखने दो। फजीला, अच्छा डन हो गया। जावियार आज से जावियार बनाएंगे। जावियार सही है, डन है। अभी ये व्लॉग डन, नाम डन होकर ही बंद होगा। क्या हुआ आपको? ले लूं मुन्ने को? नहीं देखूं क्या हुआ जोहान? क्या हुआ? भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा बारिश का मौसम हो रहा है। मैं और जोहान जा रहे हैं नीचे आयत को उठाने के लिए, क्योंकि अब उसको उठाएंगे, इट्स टू लेट, और नाश्ता बनाएंगे। देन अभी बहुत ज्यादा भूखी हो रही है। आयत को उठाओ, जाओ आयत। और अब बारी है जोहान के नाश्ते की। जोहान नाश्ता करेगा। अपू ने जोहान की मम्मा का नाश्ता भेज दिया। जोहान में से कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, इतना बड़ा घर ले लिया, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तुम्हारे सेकंड फ्लोर पे भी जाना पड़ता है। बाबा इज कॉल मी। जी बाबा। बोले बेटा, बोले। मैं रास्ते में था, बोले। आप कुछ भी नहीं, पता नहीं, अब याद नहीं है क्या काम था। मैं कह रही थी यार बिरयानी ले जाए, खराब हो जाएगी, आप और मम्मा खा तो लेंगे। मतलब आके ले जाऊंगी, कह रही हो? हाँ। चलो सर, तो मैं यहाँ बैंक आया हूँ, बैंक से केस लेके आ रहा हूँ। चलो सामान भी ला रहा हूँ, ले भी जाऊंगा साथ में, आ गया। सही है। तो गाइस आज मुझे जाना है, फजीला के लिए गिफ्ट भी लेना है, और जो है क्या बोलते हैं, तैयार होना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारी चीजें उस घर के अंदर ही है मेरी। गुस्सा आ रहा है मुझे, रोना भी आ रहा है साथ में। तैयार होना है यार, मुझे एक नमूना लेने के लिए आया है, और अभी हम इस नमूने की वजह से जो है ना, अभी हम बहुत लेट हो गए। अभी हम जा रहे हैं मेरे पुराने वाले। मैं नहा रहा था। मेरे पर टोपी डाल दो। अभी हम जा रहे हैं पुराने वाले घर में फजीला के लिए गिफ्ट्स लेने। गिफ्ट्स गाइस, गाइस ऐसा मेरी बहन है, अल्लाह का वास्ता है। क्या हुआ? मैसेजेस का, बहुत लोग मैसेजेस कर रहे हैं। क्या? कश्यप से शादी कर लो। अल्लाह। कैसे करूं शादी गाइस? मेरा भाई है गाइस, बी पेशेंट। नहीं होता पेशेंस, अगर बोलिए तो फिर बोलो हैव पेशेंस। हैव पेशेंस गाइस, हैव पेशेंस। किसी और को डेट कर रही है और आप लोग मुझे कह रहे हैं। मैं किसको डेट कर रही हूं? मुझे बस एक ही बंदा पसंद आ गया लाहौर में गाइस, हमेशा जाती हूं पसंद आ जाता। एक ही बंदा बार बार मुझे पसंद आ जाता है गाइस, मैं क्या करूं, वो मेरा क्रश हो गया। बट पता नहीं मम्मा से शादी नहीं करे। मान मेरी शादी का सोच के रो। ये मेरे बंदे की बात कर रहा है, जो मुझे पसंद आ गया वो मुझे मिल नहीं सकता, उसका सोच के उसको रोना आ गया। क्यों अमान? चाहता हूँ मैं, तू भी सेटल हो जाए। सेटल हो जाए ना, कोई मिलता ही नहीं है, क्या करूँ। ले ले। किसके लिए? फजीला, तुम्हारी बीवी है जो तुम शुगर डैडी बन रहे हो। मेरी आधे पैसे तुम डाल देना, आधे पैसे मैं आपकी शुगर मम्मी। नहीं गाइस, ये शर्ट कितनी नॉर्मल है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा। अब आपको मैं इसके प्राइस दिखाऊँ कितने हैं। इस शर्ट में ऐसा क्या है जो ये 16,900 की है, मतलब 17,000 की। अब ये शर्ट देखें, ये कितनी नॉर्मल है, सही है। अब मैं आपको इसके प्राइस दिखाऊँ, इसमें तो प्राइस ही नहीं है गाइस। गाइस इसी के प्राइस देख लें आप। गाइस ये 13,000 की, अल्लाह ऐसा क्या है इसके अंदर, इतना महंगा क्यों है, क्यों। भाई हमने गिफ्ट्स ले लिए हैं फजीला के लिए, और अब हम जा रहे हैं फजीला के पास। बहुत महंगी साबित हुई है, बहुत ही ज़्यादा महंगी। अब हम जा रहे हैं केक बैलून्स लेने के लिए। गाइस फजीला ने हमें बहुत बड़ा गेड़ा करवाया है। मैं शुरू से ही मैं भी गुस्सा आ रहा है। हम फजीला को सरप्राइज देना चाहते थे गाइस, लेकिन फजीला ने, आप लोग को बताओ फजीला ने हमारे साथ क्या करे। हम उसके लिए 12 बजे सरप्राइज के लिए हम आए, 12:03 हो गए, हम यहाँ पे खुआर हो रहे हैं 1 घंटे से। ये लोग हमें लोकेशन नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, लोगों ने नंबर भी बंद कर दिया। ये लोग किसके साथ है? डीडी फजीला नहीं पता, डीडी और फजीला पता नहीं किनके साथ है, नहीं पता। लेकिन खैर हम लोग को, उन लोगों ने टोपियाँ करा दी। हम बर्थडे 12 बज के कुछ टाइम पे हम सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन हाउ सैड।
लेकिन फजीला ने कराया गेड़ा, ये थंबनेल होगा कल का टाइटल भी। भाई ये जो है हम फजीला के लिए केक निकाल रहे हैं, वहाँ पीछे वो लोग केक काट रहे हैं और अमार का पारे शार्ट हुआ हुआ है बहुत ज्यादा। क्योंकि नहीं मेरे पारे नहीं शार्ट हुआ, मेरा वास्ता फजीला के साथ है, मेरा वास्ता फजीला के दोस्तों के साथ, फजीला के खानदान के साथ है। उसको नजर आ गया हम यहाँ पर, फिर भी वो आ तो रही नहीं, वो आगे जा रही दीदी के साथ। आवाज दो उसको, फजीला उसको पता नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं। शुम्मी इधर ही देख रही है, शुम्मी को पहले देख लो। फजीला फजीला आए लो। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चलो चलो चुप करके। तो गाइस नाउ हम लोगों ने उसका केक काटा था, हमने सरप्राइज उसके लिए रखा था और आप लोगों ने देखा ही था कि हम लोग उसके लिए कब से मॉल में घूम रहे थे, चीजें वीजें ढूंढ रहे थे। ज्यादा नहीं, तकरीबन दो घंटा तीन घंटा, हाँ दो से तीन घंटा। हर फ्लोर पे गए, हर चीज देखी, कुछ समझ नहीं आया क्या ले क्या। और मैंने इतना व्लॉग भी नहीं बनाया, चीजें देखे उसके बाद ये वाला सीन हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं पता। खैर लेकिन हर्ट बहुत हुआ, मैं तो आज नहीं जाऊंगी फजीला की बर्थडे पे क्योंकि बस मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। हम लोग ख्वार हो रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे थे और मुझे बहुत अभी तक गुस्सा। खैर उसकी गलती तो नहीं है फजीला की, लेकिन खैर रक्षा ने अपना नेट बंद कर दिया और हमारी कॉल्स नहीं उठा रही थी, हमें लोकेशन नहीं बता रही थी कि वो लोग कहाँ हैं, तो हमें तो सरप्राइज देना था। खैर हम लोग पहुंच गए जैसे तैसे करके, हमाद का तो गुस्से से पारा चढ़ा था और आप लोगों ने व्लॉग में देखा हमाद तो शुरू हुआ। बात देखो, बात सिंपल सी है, फजीला इम्पोर्टेंट है, फजीला इम्पोर्टेंट थी और फजीला इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं दरक्षा को फजीला की वजह से जानता हूँ, दरक्षा मेरी दोस्त नहीं है, मैं फजीला के थ्रू ही दरक्षा को जानता हूँ। सिमिलरली जो है फजीला के साथ और भी कोई भी एक्स वाई जो भी है, मैं उनको फजीला की वजह से जानता हूँ, तो मैं फजीला को ही वो करता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट फजीला ही है, उसके साथ के कोई भी लोग मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पर खैर ये है कि फजीला का बर्थडे था, हम लोग स्पॉइलिंग करना चाह रहे थे, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, हम लोगों ने केक शेक काटा सब कुछ किया, लेकिन मुझे फेक लोग बिल्कुल ही पसंद। तो ये जो फजूल में किसी को हमार ये वाले जो फजूल के ड्रामे होते हैं भाई, आप जैसे हो वैसे ही रहो, फ्री फजूल में ब्लॉग्स के लिए किसी और चीज़ के लिए फेक नहीं बनो। खैर हैप्पी बर्थडे फजीला, ये वाला बर्थडे याद तो रहेगा, बहुत मेमोरेबल बर्थडे था। लेकिन फिर भी तुम जान हो, हमारी जान रहोगी, हमेशा रहोगी, अपना तो साथ जन्मों जन्मों का है, लेकिन ये है कि देखते हैं कितने दिन। तो भाई हम लोग घर आ गए हैं हमाद मम्मा के साथ, दिल हल्का करते हुए आज की दास्तान जो बात है। एक मिनट सही गाइस, मैं फोन चार्ज लगा दूँ। सो गाइस हमाद जा चुका है और आप लोग को बताऊं कि हम लोगों ने आज नाम क्या डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा भाई सबने, जावियार नाम डिसाइड कर लिया क्योंकि पूरे कमेंट बॉक्स में जावियार का नाम भरा हुआ है और बहुत लोग अटके हैं महीने तक। हाँ सो गाइस हम लोगों ने डन कर लिया है जावियार, और जावियार की जो मीनिंग है, अच्छा काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि जावियार बहुत भारी नाम है, बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं। अरमुगान आप चले, थर्ड आएगा तो अरमुगान रख देंगे, थर्ड आएगा तो बेटे का नाम था अरमुगान, सदफ मिस के बेटे का नाम था अरमुगान। अभी आपको अभी तक अपने मिस का नाम याद है, बेटे का नाम अरमुगान रखेंगे, सदफ के बेटे का नाम अरमुगान था और मुझे इतना पसंद है नाम कि मैं फहम कर रखना भाई, इतना लंबा नाम रखोगी तुम फहम सा, मुझे अच्छा लगता है अरमुगान। तो आप ये बताएं कि आपका तीसरा बेटा कब आएगा, क्योंकि फिर मम्मा की पसंद का नाम रखेंगे अरमुगान। मुर्द ले भैया, तीसरे में भी बोलती है मुर्दन, क्या आया तुम्हारे नाम क्या थे एक साथ मुर्द से मुर्दा मोहन तो नाम चेंज हो गया एकदम से, मतलब जावियार तो डायरेक्ट सब बदल गया। अरमुगान की मीनिंग क्या है, मैंने कभी भाभी के अगले बाल में ये सारे बहन भाई का नाम जानते हैं, अगर भाभी की अब बेटी हुई तो मैं शिमाला रख दी।
टिश्यू वाला कौन है अभी? मैं गंदा चबार मारती थी वो मेरा टिश्यू की लत्ती आ गई वो मेरी बहन ये भी पिटाया बहुत अभी तक डिसाइड नहीं हुआ क्या मुझे क्या रखना है मुआन ने मुआन ने मैं गंजा कर दूंगी तुम्हें मैं फिर देखना गाइस फायदा गंजा आ रहा है अगर आप भी इस व्लॉग को बनाने मैं बना रही हूं अभी दो से तीन दफा मैं भी अभी दो दिन तो हो गए अब तीसरी दफा और लेट आने पे हुआ ना गंजा ना होना तो मेरा नाम बदल देना नहीं अब ये रोज लेट आएगा इसकी दोस्त की दुकान है पीछे डेलस की तीसरी दफा होने पे आप देख लीजिएगा कि आप इसका हाल क्या होता है डेलस की दुकान में कभी बोलो बैलेंस कहां से आ रहा है मैं बता रही हूं मैं इसको गंजा कर दूंगी से इजी पैसा है ना उस तरह मंगाए या वो आप बता दें अभी से मंगा के रखते हैं जैनब की मस्कीनों वाली शक्ल देख के सब बोल रहे यार जैनब बेचारी उसका ख्याल नहीं रख रहे भाभी खानदान वाले बच्चों को ऐसे बोलते तुम लोगों में एटीट्यूड बहुत है तुम लोग मुझसे बात नहीं करते मैसेज पे बात करा करो भाई बोल क्या बात करे क्या बोल रहे हैं समझ में भी नहीं आ रहा भाभी के घर के जो बच्चे उन लोगों को गुस्सा करते हैं तुम लोगों में बहुत नखरा है बहुत एटीट्यूड है अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो बॉम्बे उनको मैसेज करता है अच्छा डन हो गया जावियार आज से जावियार बनाएंगे जावियार सही है डन अभी ये व्लॉग डन नाम डन होकर ही बंद होगा जावियार जावियार ये दो दो उठाएगा उठ गया ना तुम्हें बैठने नहीं दिया दोनों के पांवों को हाथ नहीं लगाओ मुझे तो एक भी नाम समझ नहीं आया जो रखे हुए मैं बताऊँ मेरा क्या दिल है अजान अजान रोहान सबने कमेंट ये भी करे जोहान से रोहान रोहान भी और मेरा जो पर्सनल है वो है रोहान और अजान तो आप बोले रोहान रोहान रख लेते हैं अभी बता दो नाम क्या अल्लाह हमारे घर में बच्चे का नाम डन नहीं हो रहा गाइस रोहान कंफर्म हो गया लॉक कर दो रोहान कर रोहान मेरे हाथ उठा ले रोहान रोहान अच्छा अच्छा ठीक है जैनब ने भी हाथ उठा लिया अम्मा आपका रोहान इंसान भाई चार वोट आ गए रोहान 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 और मेरा भी रोहान अच्छा तो रोहान डन हो गया गाइस गाइस आप लोग कमेंट में बताएं रोहान नाम ऐसा ही हुआ वो बच्चा तो रोहान नाम कैसा लगेगा कैसे अगर ऐसा ही हुआ तो जैसे सुहान के ऊपर नाम सूट करते हैं वैसे रोहान के ऊपर नाम सूट करेगा सुहान नाम के मैंने बोले चिट्ठे देखे सुहान नाम भी बहुत छोटे चिट्ठे थे तो क्या मतलब है बच्चा काला गोरा बच्चा तो प्यारा ही होता है रोहान लॉक हो गया था ना माँ से पूछ लेते थोड़ा माँ को भी थोड़ी आसान या रोहान भाई रोहान 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 डन वोट दे देते हैं एक मिनट जाना रोहान के लिए हाथ उठा लो अगर रोहान सही है उठाओ जाना सही है भाई भाई भी है भाई नहीं यार तुम वो तो तुम मुझे बात रहा हो ना यानी रोहान को जा रहा है मेरा अच्छा मैंने इसका रखा था ना बच्चे का बिगाड़ दिया इसने सिंगल से आने को मुझे बेटर नहीं क्या 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 सिंगल से आने को मुझे बेटर नहीं मांगी कार सिंगल से आने चुका रट्टी बांगड़ी बांगड़ी रट्टी तो सब पहुंच गए सब नहीं ये तो गलत जो है वो है माँ है तो फिर सब कुछ है तो हाँ मम्मा है ना तुम्हारी माँ की जगह अच्छा रो नहीं देखो इस टाइम तुम्हें अच्छा उस टाइम क्या बोला था हॉस्पिटल में एक औरत ने कि देखो इस टाइम पे सारे मेरे लिए नहीं रोते भाई तुम ब्लॉग में क्या रहे रोएंगी अब उनके घर वाले ने मोड़ के पूछा ना खानदान वालों ने ना घर वालों ने किसी ने पूछा भी नहीं कि बच्चा कैसा हो गया मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ सब लोग नहीं मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ तो कुछ नहीं है दस लड़कियों के वहाँ पे केस हुए सबका महका था सिर्फ नवी दसवीं लड़की मैं थी जो मेरा महका नहीं तो उसमें रोल है पूछो मम्मा से मैं मम्मा से बोल रही हूँ मैं खामा खाई मम्मा के सामने सबको गोले मिला के बोली मम्मा मुबारकबाद आ रही है फला बंदे ने मुबारकबाद दिए ये वो दिए
वरना मैं कभी भी किसी को नहीं करती हूँ। दसवीं लड़की मैं थी जिसकी मैका वाला ही नहीं, और सबके सामने वाली की पूरा खानदान उनका बस में चला, पता नहीं मोहल्ले के अर्शियानी आ तो रही थी, क्या हुआ तो रो क्यों रही हो? अर्शियानी आने का तो बोल रही थी, वो क्यों नहीं आई? तो उसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारे लिए हम खास है या वो लोग खास है? सारे मामा आते मगर इतनी दूर आ गई, कोई मामा नहीं आ गई हो, और चिल्लाती मामा तो इतना प्यार कर करके इसको इतना प्यार कर रही है। एक मिनट जैनब की अम्मी की वजह से मैं खुद भी रो रही होती हूँ। मैं इसलिए रोती हूँ पता है क्यों, मतलब मुझे इमोशनल हो जाती है, और मुझे ऐसे होता है यार माँ जो होती है ना वो कोई नहीं होता, तो मुझे थोड़ा सा इसका एहसास हो जाता है। वैसे बोल रही थी अम्मी को आधे घंटे के लिए हम सिर्फ इसे हंसा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, माँ माँ होती है भाई, माँ माँ होती है। तुम क्यों हंस रही हो? अंडे में छिलके आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं क्या कर सकती, बोली अंडे में छिलके आ रहे हैं मैं क्या करूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करूँ। बोलिए बोलिए मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा अच्छा गरीब ने, गरीब ने मोहब्बत में सुतक लिया। एक मिनट का शेक लेके आई, शेक बता दिया इसने 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 मैं बता दू, मैं मुझे बोली मुझे भूख लग रही थी, अब तुम बाहर जा रही थी, मैंने कहा अच्छा भूख लग रही, कह रही हाँ हमें रेस्टोरेंट में काले सूप लाई थी, बताओ मेरी तारीफ करो इसके अंदर सही से बताओ, जो मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ खिला रहे मैं बुरी मेरी तारीफ करो जो मैं ख्याल कर रही हूँ तुम्हारी, यहाँ क्या सूप लाना बहुत अच्छी अम्मा, मैंने इसको सूप नहीं पिलाया, रेस्टोरेंट से भी सूप लाई थी, ये व्लॉग में दो प्याले मम्मा तारीफ करने को बोला है, मैंने बोला दो मैं इसकी मालिश करती हूँ, देखो मैं इसको कितना मजबूत बनाती हूँ, ऐसे ऐसे उसको दे दिया और उसने उठा के फेंक दिया। अभी लोग बन गए थे मुझे खुश की तुम, अरे सुने हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, इस व्लॉग को यहाँ एंड करते, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जैनब से बहुत सारी दुआ करें कि जैनब की उदासियाँ खत्म हो जाए गाइस। उदास तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ उदास हो, तुम खुश हो या नहीं हो सच बताओ इस व्लॉग के अंदर, गंदे गंदे मुँह नहीं बनाया करो तुम इसके अंदर, हाँ लोग समझते हम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं मम्मा, और इतनी सारी मेरी नेकियां तो नजर ही नहीं आती। अगर अभी इस दौरान भाभी की सबसे अच्छी नंदा मैं बनी हूँ, मैं भाभी बताए और आज ताना दे दिया, क्या आपने दिया? मैं मैंने कहा आज नीचे चले से जैसे पानी की बोतल लिया, मैं मान आती थी आपके काम में 50 चक्कर में ऊपर से नीचे, मैंने कहा बाय बाय बाय।